सबसे पहला सवाल तो ये पूछ लो जाते हैं कि आपके घर में डिसीजन लेने वाला व्यक्ति कौन है। किसी भी काम को शुरू करते हैं उसमें डिसीजन कौन लेता है, डिसीजन मेकर कौन है? मेरे पिताजी हैं। सबसे पहले जाके पिताजी के पांव छू, कितने लोग करते हैं ऐसा? घर में कोई बड़ा बुजुर्ग है उसके पांव छूने का काम, झुक लिया करो, झुक लिया करो, संस्कार बने रहते हैं, पैसा आता है, झुक लेना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक बाप और बेटा था, जिंदगी चल रही थी, जिंदगी चलते चलते बेटा थोड़ा बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद में बेटे की शादी कर दी। शादी करने के बाद में साल छह महीने उस समय हुआ, उसके बाद में जो बहू आई थी ना, उसने बोला अपने पति को कि या तो मैं रहूंगी इस घर में या आपके पिताजी, दोनों में से किसी एक को चुन लो, या तो मैं रहूंगी आपके पिताजी, दोनों में से किसी एक को चुन लो। तो वहां से गले से बोला, रोता हुआ बोला, अरे नहीं रे, ऐसा मत कर यार, मेरे को कंधों पे बिठाया उन्होंने, मेरे पिताजी के यहाँ घाव है, मुझे बिठा के घुमाते थे, ऐसा मत कर, मेरा जो भी कुछ है मेरे पिताजी हैं, उनके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। छह महीने और निकाले, छह महीने बाद में अंतिम लक्ष्मण रेखा खींच दी, या तो मैं या आपके पिताजी। अंतिम फैसला लिया, पिताजी को कहा रात के 12 बजे, पिताजी चलो घूमने चलते हैं। जंगल की तरफ लेके चले गए, जंगल की तरफ ले जाके और एक जगह सुनसान जगह जाके, और उन्होंने बोला एक पेड़ के पास में कि पिताजी आपका और मेरा साथ यहीं तक था, आपका और मेरा साथ यहीं तक था, अगर मैं आपको रखता हूँ तो वो मुझे छोड़ के जाती है, और उसको रखता हूँ तो फिर आपको पता ही है, तो आपका मेरा साथ यहीं तक था। पिताजी ने, पिताजी की आंखों में आंसू थे, बेटे की आंखों में आंसू थे, रात के 12 बज रहे थे, उन आंसुओं के साथ पिताजी ने कहा बेटा एक छोटा सा काम और कर दे। बोले क्या? वो जो सामने बड़ा बरगद का पेड़ देख रहा था तू, वो जो बड़ा बरगद का पेड़ दिख रहा है बस वहां तक और छोड़ दे, बस इतना सा काम लास्ट और कर दे। बेटा गया पिताजी को लेके वो बरगद के पेड़ के पास, और ले जाके उसने बोला, बाप ने बोला वहां पे कि बेटा इस जगह को याद रखना, इस जगह को याद रखना, आज से 20 साल पहले मैं भी मेरे पिताजी को यहीं छोड़ के गया था, आज से 20 साल पहले मैं मेरे पिताजी को यहीं छोड़ के गया था, 20 साल बाद तुझे भी यहीं आना है, याद रखना। क्यों बोला ऐसा? हम जैसा कल्चर डालेंगे ना, हम खुद वैसा हमारी टीम में कल्चर डालता चला जाएगा।